सो वेलकम बैक माई डियर फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो मुझे मारुति को लिए हुए, मेरी गाड़ी को लिए हुए, MT-15 को लिए हुए 10 से लेके 15 दिन हो चुका है, 13 दिन तो पूरा पूरी हो चुका है। तो अभी मेरे को हीटिंग प्रॉब्लम इशू फील हो रहा था, तो उसको मैंने कैसे रिजॉल्व किया, कैसे सॉल्यूशन किया, आपके समीप रखता हूँ कि मैं कैसे उसको ठीक किया। क्योंकि मैं इसलिए इस पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लड़के डिलीवरी वाला वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि ब्रो माई ड्रीम बाइक मेरी 10 दिन के बाद आ रही है, मैंने बुकिंग करवा लिया है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोग पैनिक हो जाए इस इशू को लेके, जो हीटिंग प्रॉब्लम मुझे हो रहा था। तो मैं इसको कैसे सॉल्व किया, मैं आपको आराम से डिटेल पे बताता हूँ। तो हीटिंग इशू सॉल्यूशन से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हीटिंग इशू स्टार्ट कैसे होता है, कौन कौन से कारण होते हैं जिससे हीटिंग इशू स्टार्ट होता है। तो इसके मेन चार कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि आपका मोबिल इंजन या मोबिल ऑयल कम होना। तो मेरे केस में ये बिल्कुल भी नहीं था। जैसा कि आप लोग फर्स्ट सर्विस वाला वीडियो में देखे थे, उस मैकेनिक ने मेरे सामने 1 लीटर वाला डब्बा खोला और पूरे मेरे इंजन पे डाल दिया था। तो वो कारण मेरे में बिल्कुल नहीं था। तो अब बढ़ते हैं दूसरे कारण की ओर। दूसरा कारण ये कि आपका कूलेंट कम हो या ना हो। तो कूलेंट भी मैंने खुलवाया था फर्स्ट सर्विस में, आपने वीडियो में देखा होगा। तो कूलेंट मेरा बहुत ज़्यादा था, तो उस कारण भी मेरा हीटिंग इशू नहीं हो रहा था। तो अब मैं बढ़ता हूँ तीसरे कारण की ओर। तीसरा कारण ये है कि आपको रेडिएटर के पीछे एक फ़ैन मिलता है जो कि घूमना बंद कर जाता है। जैसे कि मैं आपको फ़ैन दिखाता हूँ, इधर आओ तो ब्रो, यहाँ पर एक फ़ैन होगा, दिखाओ तो। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक फ़ैन है, ये फ़ैन घूमना बंद हो जाता है तब भी हीटिंग इशू होता है। तो मेरे केस में ये भी नहीं था। तो मेरे केस में क्या था, मैं अब आपको बताता हूँ। तो मेरे केस में क्या था गाइज, मैं आपको अब लास्ट वाला रीज़न बता रहा हूँ और यही मेरे केस में है। और जितने भी न्यू बायर्स होंगे उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ। तो मैं अभी शेयर करने वाला हूँ। ये रेडिएटर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाओ कैमरामैन। तो मेरे केस में ये इशू मुझे फेस हुआ और ये है रेडिएटर। यहाँ पे छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे हवा को पास किया जाता है और वो फ़ैन घूमता है और वो फ़ैन कूलेंट को लेके इंजन पे डालता है और इंजन ठंडा होता है। तो यहाँ पे एक छोटे छोटे आप छेद देख रहे होंगे, जो कि जब मैं वॉश कराया था गाड़ी, तो जब वो हार्ड प्रेशर मारा पानी का, तो ये सारे छेद बंद हो गए थे। तो मैंने क्या किया, एक छोटे से पिन के मदद से इसको सारे छेद को खोल दिया। तो जब से मैं खोला हूँ, मुझे हीटिंग प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो चुका है। तो जितने भी नए बायर्स हैं, जो कि सब कमेंट कर रहे थे माई ड्रीम बाइक ब्रो, और जो कि मेरा आने वाला है 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद, मैंने बुकिंग करा लिया, ये जो कमेंट कर रहे थे सब, उनके साथ ये केस ना हो जाए, मैं इसलिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। ताकि जब आप नए नए गाड़ी लो तो वॉश कराओ, गाड़ी को वॉश कराना बहुत अच्छी बात है, पर जब भी पानी मारने की बात है यहाँ पे, आप सीधा मना करो उस आदमी को जो आपका गाड़ी धो रहा हो कि यहाँ पे पानी मत मारना ब्रो। क्योंकि मेरा पानी मारा था तो सारे इसका जो छेद थे, छोटे छोटे पोर्स थे, सारे बंद हो गए थे और इस वजह से मेरा इंजन हीटिंग का इशू आ रहा था। पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर चला के आया हूँ, मुझे हीटिंग इशू अभी तक नहीं आया और मेरा फ़ैन भी अभी तक नहीं घुमा क्योंकि इंजन मेरा गर्म ही नहीं हो रहा है। तो ये बात था। तो अब आप लोग जान गए होंगे कि हीटिंग इशू होता कैसे है और इसको सॉल्व कैसे करें। चार कारण मैंने बताया, पहले तो मोबिल का कम होना, इंजन ऑयल का कम होना, दूसरा कूलेंट का कम होना, तीसरा रेडिएटर फैन नहीं घूमना, और चौथा जो नए नए गाड़ी ले रहे हैं उनके साथ तो पक्का होने वाला है, ये रेडिएटर का फिन्स जो है छोटा पोर्स जो है वो बंद हो जाना। मेरे में पानी बहुत ज़्यादा मार दिया था प्रेशर से, उस वजह से मेरा बंद हो गया था। तो ये कारण थे, आप लोग इससे बच के रहें और वहाँ पे पानी ना डालने बोले जब आप हार्ड वॉश करवाएं। तो ब्रो यही था आज के वीडियो में, हीटिंग इशू के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मैं पैनिक हो गया था। तो आप लोग पैनिक ना हो गाड़ी खरीद के, गाड़ी बहुत ही अच्छी है, इंजन बहुत ही स्मूथ चलता है, आराम से इस गाड़ी को आप लोग ले सकते हैं, आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और तब तक के लिए बी हैप्पी इन योर लाइफ एंड सेफ ड्राइव। Newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat.